दिल्ली मेट्रो को चलते हुए तो बहुत साल हो चुके हैं, पर 15 साल पहले जो दिल्ली मेट्रो नई आई थी वो उस समय नई थी। अब तो उसको 15 साल हो चुके हैं, उसकी भी उम्र होती है, पर अब मेट्रो 2.0 आपको नजर आएगी। बहुत सी ऐसी चीजें थी, आप सोचते थे यार ये तो पुरानी वाली मेट्रो इस लाइन पे चल रही है, इसमें सॉकेट नहीं मिलता है, इसमें थोड़ा फ्लोरिंग खराब हो गई है। इन चीजों को देखते हुए अब दिल्ली मेट्रो ने अपने आप को अपग्रेड किया है। वो पुरानी मेट्रो जो 2007 में चली थी उसमें कुछ नई चीजों को ऐड किया है, और अब आप जब सफर कर रहे होंगे तब आपको वो चीजें देखने को भी मिलेंगी। दिल्ली मेट्रो ने क्या क्या वो बदलाव किए हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। जब आप मेट्रो में घुसते थे तो आपको ये पता करना होता था कि मेट्रो आखिर जा किस तरफ रही है, वो पैनल कहां पे है जो मुझे दिखाएगा कि मुझे किस तरफ जाना है। तो पहले आपको इस तरीके के पैनल दिखते थे, लोग समझते थे अच्छा किस तरफ जाऊंगा, राजीव चौक के पास कौन सा स्टेशन है, उसके आगे कहां उतरना है, कहां से कौन सी लाइन जाएगी। इस प्रॉब्लम को समझा गया और उसी के सामने अब आप देख पाएंगे कि वो पैनल की जगह अब एक डिजिटल पैनल आपको नजर आएगा, क्योंकि यहां पर आपको वो पूरी जानकारी चाहिए होगी डिजिटल पैनल में, कहां हम मूव कर रहे हैं, कहां हम पहुंचे हैं, इस चीज को जोड़ा गया है। नई मेट्रो जो आई थी उसमें सब चीजें थी, पर जनता जो ज्यादातर जिन रेड और ब्लू लाइन पर सफर करती है उसमें ऐसे बहुत से ट्रेन के कोचेस थे जहां पर ये सुविधाएं नहीं थी। और क्या नया ऐड हुआ है उसको हम समझते हैं और उसको जानते हैं। ये सॉकेट, आप सफर कर रहे हैं, आपको जानना था कि मैं क्या करूं, मोबाइल कहां से चार्ज करूं, या फिर किस तरह से वो लैपटॉप को चार्ज करना है। कुछ लोगों को लंबा सफर होता है तो उसी में काम करना होता है मेट्रो के अंदर, तो अब आपको वो सॉकेट भी मिलेंगे। ये सॉकेट नई मेट्रो में थे, लेकिन कहीं कहीं आप पता यार इस मेट्रो में सॉकेट ही नहीं है यार, कैसे फोन चार्ज होगा, अब फोन चार्ज हो पाएगा। दूसरी बात, वो फ्लोरिंग, एक वो नया टच देने की बात है, एक मॉडर्न होने की बात है। आप सोचिए वो नए भारत की जो हम बात करते हैं लगातार, उसको मेट्रो ने भी समझा है, वो मॉडर्नाइजेशन को समझा है कि लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो ये वो अहम सुविधाएं हैं जो अब आम जनता को मिल पाएंगी। उसके साथ ही सुरक्षा की भी सोची गई, सुरक्षा की सोची गई कि सबसे पहले सबसे अहम जो इस वक्त जो चीज है वो है सीसीटीवी कैमरा और फायर सेंसर। फायर सेंसर ट्रेन में सफर कर रहे हैं आप, मेट्रो ट्रेन है, सफर छोटा होता है लेकिन सुरक्षा उतनी ही होनी चाहिए। तो अब वो आपको फायर सेंसर नजर आ जाएंगे कि यहाँ पर किसी तरीके की अगर कुछ भी स्मोक या कुछ होता है तो ये फायर सेंसर मेट्रो को रोकने में, उसके साथ ड्राइवर से कनेक्ट करने में आपकी मदद कर पाएंगे। और दूसरी तरफ सुरक्षा की बात करें, पैसेंजर्स की, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तो वो आपको अब ये सीसीटीवी कैमरा पहले इसमें नहीं थे इस मेट्रो में, पर अब ड्राइवर लगातार हर कोच में नजर रख सकता है कि कहां पर कौन लोग किस तरह से इस वक्त सफर कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से। और दूसरी बात, अनाउंसमेंट की बात होती थी, अनाउंसमेंट कभी होता था नहीं होता था, तो ये तकनीकी खामियां हैं जो समय के साथ आती हैं। लेकिन खुद को बदला दिल्ली मेट्रो ने और खुद को अब एक नया आयाम दिया है कि अब हम इस तरह से काम करेंगे। बहुत से ऐसे कोचेज हैं और रिफर्बिश होंगे, पर कुछ मेट्रो हैं वो अब इस तरह से शुरू हो चुकी हैं। 2007 में ब्लू लाइन और रेड लाइन पर चलने वाले डिब्बे थे, वो कोविड के टाइम पर अपने आप को बदलकर 2.0 दिल्ली मेट्रो इस वक्त आपको अब सफर करेंगे तो नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो के साथ वरुण भसीन, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली।